फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फर्क है। आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप मुझे कुछ मिनट्स दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकेंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके पहले कि मैं इस लेसन को शुरू करूं, फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह लेसन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए हो सकता है कि आपको मेरे बात पर डाउट हो। इसलिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक किताब का स्क्रीनशॉट दूंगा, आप उसे खुद पढ़ लें ताकि आपको यकीन हो सके कि जो मैंने बताया वो सही था। सबसे पहला डिफरेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम एक एक्शन दिखाने के लिए करते हैं, यानी गुजरे हुए वक्त में कोई एक काम हुआ, ये बात बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आया, आई केम, वह गई, सी वेंट, उसने देखा, ही सॉ, वह पकाया, ही कुक्ड, वे नाचे, दे डांस। लेकिन अगर हम बात पास्ट परफेक्ट टेंस की करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो एक्शन को दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि एक एक्शन दूसरे के बाद हुआ, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि एक काम खत्म हुआ तो दूसरा काम शुरू हुआ। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर मैंने दो एक्शन की बात किया, एक में चोर भागा और दूसरे में पुलिस आया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक एक्शन खत्म हुआ तो दूसरा काम शुरू हुआ, यानी चोर जब भाग गया तो पुलिस आई। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम एक एक्शन दिखाने के लिए करते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम सिर्फ दो एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, जहाँ हम बताते हैं कि एक काम खत्म हुआ तो दूसरा काम शुरू हुआ। कई बार आप इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे और कंफ्यूज हो गए होंगे, जैसे आई हैड टोल्ड देम बिफोर, यानी मैं उनको पहले ही बता चुका था। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ सोचेंगे यहाँ पे तो कोई दूसरा एक्शन है ही नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर भी दूसरा एक्शन है, यानी यहाँ पर दो काम है। ये अलग बात है कि दूसरे काम को छिपा दिया गया है, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर कोई और एक्शन हुआ था। जैसे आई हैड टोल्ड देम बिफोर, मैं उनको पहले ही बता चुका था, यानी वहां पर कोई हरकत हुई थी उसके पहले मैं उन लोगों को बता चुका था। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक और खास बात जान लें। अभी तक मैंने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम एक एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल एक एक्शन को दिखाने के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन कई बार दो एक्शन यानी दो काम दिखाने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं, यानी दो काम दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मदद से अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि दो एक्शन दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का भी मदद दिया जाता है और दो एक्शन दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी सहारा लिया जाता है, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है, या आप समझेंगे कैसे कि दो एक्शन दिखाने के लिए कब सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट और हेड के साथ थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस बात को मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझें कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तब करेंगे जब दो एक्शन ऐसे हो, पहला काम खत्म हुआ तो दूसरा काम शुरू हुआ, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जब एक काम खत्म हो जाता है तो दूसरा काम शुरू होता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि ये दोनों एक्शन साथ साथ नहीं चलते हैं या एक साथ नहीं चलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आपको दो ऐसा सेंटेंस मिले यानी दो ऐसा एक्शन मिले जो साथ साथ चलते हैं या एक साथ चलते हैं, तो यहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का सहारा नहीं लेंगे, यहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मदद से अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे व्हेन द क्वीन एंटर्ड द हॉल द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द नेशनल एंथम, यानी जब क्वीन हॉल में आई तो ऑर्केस्ट्रा नेशनल एंथम बजाए। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर दो एक्शन है, एक में क्वीन का आना और दूसरे में ऑर्केस्ट्रा का नेशनल एंथम बजाना, और ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। When the PM entered the meeting room, all congratulated him. जब PM मीटिंग रूम में आए, सभी उनको बधाई दिए। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि इन दोनों सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं और ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि दोनों में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है।
तो दोनों में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर दो एक्शन है जो साथ साथ चल रहे हैं, और जब दो एक्शन साथ साथ चलें तो फिर वहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट आसान तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे? वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे कॉन्फिडेंस के लिए। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।